30 दिन नो फैप करने से आपकी पर्सनैलिटी कितनी चेंज हो जाती है। 30 दिन अगर आप नो फैप करते हो तो आप में क्या क्या चेंजेस आते हैं, 30 दिन नो फैप करने से क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं 5 ऐसे अमेजिंग बेनिफिट्स जो आपको ओनली 30 डेज नो फैप फॉलो करने से मिलता है। ये आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देता है। नंबर 1, हैंडसम लुक। हैंडसम लुक यानी सुंदर दिखना। देखो, आपका जो ओवरऑल फेस होगा ना, वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखने लगता है। आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होने लगती है, आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होने लगती है, आपकी स्किन के पिंपल्स वगैरह धीरे धीरे करके गायब होने लगते हैं। नो फैप 30 डेज करने से आपके आंखों के नीचे जो डार्क सर्कल्स होते हैं वो गायब हो जाते हैं, लिप्स धीरे धीरे करके पिंक होने लगते हैं, और सबसे बड़ी बात जो होती है वो होता है कि आपका स्किन काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होने लगता है, उस पर एक अलग ग्लो आने लगता है, आपके आंखों में एक अलग सी चमक आने लगती है जो सामने वाला नोटिस कर सकता है। जो नो फैप करता है उसके अंदर ही होती है ये चीज़ें, जो फैप करेगा उसके अंदर नहीं होंगी। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये आपके फेस को काफ़ी ज़्यादा हद तक अट्रैक्टिव बना देता है, काफ़ी ज़्यादा हद तक हैंडसम यानी सुंदर बना देता है। सेकेंड है कॉन्फिडेंस। एक लड़का जो PMO से एडिक्ट है, उसे किसी के सामने जाकर बात करने में बहुत डर लगता है, वो सोशली बात नहीं कर सकता, वो किसी भी इंसान से जल्दी बात नहीं करता, हमेशा अकेले में रहना पसंद करता है। आज के यूथ PMO की वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, एंड किसी से शेयर नहीं कर पाते। बड़ी बात यह है कि वो शेयर करना भी नहीं चाहते क्योंकि उनके अंदर एक डर है। लेकिन आफ्टर नो फैप आपका माइंड काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाता है, आपके माइंड का ब्रेन फॉग खत्म हो जाता है, आपके माइंड में जो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीज़ों की प्रॉब्लम्स हो रही है, वो सब खत्म हो जाता है। आफ्टर 30 डेज नो फैप आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, सामने कोई भी हो आप सामने से जाकर बात कर सकते हो, सोशली आप इंटरेक्ट कर सकते हो लोगों के साथ, आप हर किसी से बातचीत कर सकते हो। इवन आज के टाइम में जो लोग इंटरव्यू वगैरह देने जाते हैं वो 30 डेज नो फैप करके जाते हैं ताकि उनका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाए, वो एकदम कॉन्फिडेंस में जवाब दे पाए। कई सारे ऐसे बंदे आते हैं जो मुझे कहते हैं कि मुझे इंटरव्यू देने जाना है 30 डेज बाद या 40 डेज बाद, मुझे नो फैप फॉलो करना है, कॉन्फिडेंस लाना है अपने अंदर ताकि मैं इंटरव्यू क्रैक कर पाऊँ। अब देखो, अगर आपका विजन बहुत बड़ा है ज़िंदगी में तो आपको नो फैप पक्का ही फॉलो करना चाहिए। क्यों पता है? क्योंकि हर कदम पे आपको प्रॉब्लम्स दिखेंगे। अगर आप फैप करते रहोगे तो सारे प्रॉब्लम्स आप हार जाओगे। लेकिन अगर आप नो फैप करते हो आफ्टर 30 डेज, आपको ये समझ आ जाएगा कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि ज़िंदगी में कितने भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, आप उसका डटकर सामना कर सकते हो। तो ओवरऑल 30 डेज के बाद आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है, आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हो, आपके कॉन्फिडेंस का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। थर्ड है पावर। अब ऑब्वियसली आप अपने सीमेंट को रिटेन कर रहे हो, जिस वजह से आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होगी एंड आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पावर आ चुका है। लाइक जब आप फैप कर रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा आप मरियल फील करते हो, आपको लगता है कि आपकी बॉडी कहीं भी गिर जाएगी, लाइक कहीं भी आप चक्कर खाकर गिर जाओगे। लेकिन आफ्टर 30 डेज आपके अंदर एक अलग सी एनर्जी फील होगी, आपके अंदर एक अलग सा पावर फील होगा। कभी आपने सोचा है कि पुराने टाइम में राजा महाराजा वगैरह जो लड़ाई में जाते थे, युद्ध में जाते थे, तो कैसे जाते थे? नो फैप वगैरह वो करते थे, फॉलो करते थे तभी जाते थे, वरना इंसान में इतनी शक्ति नहीं थी कि इतने बड़े बड़े युद्ध को लड़ सके। अगर वो नो फैप फॉलो नहीं करते, ब्रह्मचर्य का फॉलो नहीं करते, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उनका हर्ट ही अलाउ नहीं करता उस युद्ध में जाने के लिए, उनको डर लगता, वो छुप कर बैठ जाते। ऑब्वियसली नो फैप से क्या होता है, आपके अंदर पावर का संचार होता है, आपके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा भर जाती है, और जिस वजह से आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, आपको डर नहीं लगता है, और आप एकदम क्या बोलते हैं, एक पावरफुल पर्सनैलिटी बन जाते हो। 30 डेज के बाद आपको महसूस होगा कि अरे मेरे अंदर बहुत सारा एनर्जी है, इसको मैं कहाँ यूज़ करूँ। जैसे कि अगर आप काम करते हो फिर भी आप थकोगे नहीं जल्दी, अगर आप जिम करते हो तो जल्दी थकोगे नहीं। 30 डेज के बाद आप फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हो कुछ हद तक, क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है एक तरह से, एंड आप किसी से लड़ भी सकते हो। ऑब्वियसली आपको लगेगा कि आपके अंदर पावर है, बट फिर भी अपने पावर को कंट्रोल करके रखना, लड़ना मत किसी से, आपको बस लगेगा कि हाँ मेरे अंदर बहुत शक्ति है, आप थोड़े चिड़चिड़े भी हो जाओगे। अब सिंपल सा लॉजिक है, बहुत ज़्यादा एनर्जी जैसे ही भरेगी आपकी बॉडी में, अभी तक आपके बॉडी को एनर्जी रिटेन करने की आदत नहीं थी, अब जैसे ही ये आदत पड़ेगी वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट होगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे करके ये ठीक हो जाता है। पॉइंट नंबर 4, फीमेल अट्रैक्शन। अब देखो ये प्रूव हो चुका है, हर कोई फील करता है नो फैप जर्नी के दौरान, 30 डेज के बाद
फीमेल्स आप पर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगती हैं, लाइक आपकी क्लास की लड़की आप पर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगी। हो सकता है आपके आसपास की लड़कियाँ भी आप पर अट्रैक्ट होने लगे, हो सकता है जिनसे आप चैट करते हो वो भी आपसे अट्रैक्ट होने लगे, पॉसिबल है। वेल, हम सब बायोलॉजिकली डिजाइंड हैं। फीमेल्स में इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा होता है, सेंस करने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपके अंदर एनर्जी है तो सेंस कर लेती है, जिस वजह से वो आपसे अट्रैक्ट होती हैं। जब आप नोफैप पर रहते हो तो फीमेल्स का अट्रैक्ट होना नॉर्मल है, लेकिन हमें अपने करियर पर अट्रैक्ट होना है, हमें अपना करियर बनाना है, पहले ध्यान रखना। आपको पता है मैं हमेशा बताता हूँ इस चैनल पे करियर इज इम्पॉर्टेंट, बट मजे की बात यह है कि जिन लड़कियों के बारे में आप सपनों में भी नहीं सोच सकते कि ये आपसे अट्रैक्ट होंगी, वो लड़कियां भी नोफैप करने के बाद अट्रैक्ट होने लगती हैं आपसे। बाय द वे, बहुत सारे लोग जो होते हैं नोफैप फॉलो नहीं कर पाते, मेरे ही व्यूअर्स मुझे डीएम करते रहते हैं नोफैप फॉलो नहीं कर पाता हूं मैं। गाइज सीरियसली बता रहा हूँ, अगर आप नोफैप फॉलो नहीं कर पाते हो तो हमने एक बुक लॉन्च किया है सिर्फ आपके लिए। ये बुक जिसने भी पढ़ लिया ना वो पक्का नोफैप फॉलो कर पाएगा, बिकॉज 100% सक्सेस रेट है इसका। ये बुक एक पीडीएफ बुक है जिसे जहाँ चाहो कैरी कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हो पेमेंट करके। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जब आप बुक को बाय करोगे, पेमेंट करोगे, उसके बाद ही डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। बहुत से लोगों को लगता है कि हार्ड कॉपी उनके घर पे भेजा जाएगा, नहीं यार, सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हो। जो चीज़ें मैं यूट्यूब पे नहीं बता पाता हूँ वो इस बुक में लिखी गई है। इस बुक को जिसने भी पढ़ा है पक्का नोफैप फॉलो कर चुका है, कर रहा है और अपनी ज़िंदगी बदल रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, बाय कर सकते हो। पाँचवा फ़ायदा, स्मूथ एंड सिल्की हेयर। अब देखो मैं एक लड़के की ये स्टोरी बता रहा हूँ, जो मेरा एक सब्सक्राइबर था, उसका बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहा था पहले, एंड उसने मेरे को पूछा था कि भाई इसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। मैंने उसको सजेशन दिया कि आप नोफैप फॉलो करके देखो एक बार, एंड जब वो नोफैप फॉलो करता है आफ्टर 30 डेज वो नोटिस करता है कि उसके बाल जो है झड़ना बंद हो जाते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा स्मूथ एंड सिल्की हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं। देखो नोफैप करने से आपका बाल जो है काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है, बिकॉज जो खाना आप खाते हो उसमें बालों के लिए जो प्रोटीन होता है वो आपके बॉडी में ही बचता है, एंड जिस वजह से क्या होता है आपके बाल स्ट्रांग होते हैं एंड ये टूटते नहीं। बालों के लिए जो प्रोटीन एंड न्यूट्रिशंस बचते हैं जिस वजह से आपके बाल काफ़ी स्मूथ एंड सिल्की होते हैं, एंड अगर आप बियर्ड लुक में होते हो तो वो भी काफ़ी स्मूथ एंड सिल्की लगता है। अगर आप अपने ओवरऑल पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो, हैंडसम दिखना चाहते हो, तो आपके बालों का अट्रैक्टिव होना, घना होना इम्पॉर्टेंट है, जो कि नोफैप देता है। तो ये थे अमेजिंग बेनिफिट्स जिससे आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है पूरी तरह से नोफैप करने से। नहीं कर पा रहे हो तो टेंशन मत लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बुक को जाकर बाय करो, पक्का कर पाओगे। बाकी वीडियो पसंद आए एक लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि 72% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है जो हमारे व्यूअर्स हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जाओ फॉलो कर लो, क्योंकि फॉलो करोगे तभी तो आप मुझसे बात कर पाओगे, राइट। एंड सबसे लास्ट बात, वीडियो को दबा के शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू ऑल।